उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। वेल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैलेंज विच इज़ गोना बी गोइंग टू द जिम ऑन फुट फॉर स्ट्रेट 30 डेज। लाइक हमारा वर्कआउट वैसे ही रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही रहेगी, सारी रूटीन वही रहेगी, लेकिन जो चेंज होगा वो ये होगा कि हम ऑन फुट जिम जाया करेंगे। और जिम यहाँ से है मेरी एटलीस्ट 5 किलोमीटर अवे, तो GPS सेट इज़ गोना टेक लाइक 50 to 60 मिनट्स। ठीक है, तो वी आर गोना बी ऑन द रोड फॉर अ व्हाइल। खैर तुम सुनाओ कैसी चल रही है। तो असल में ये करने का मकसद, एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि आई वॉज स्किपिंग माई कार्डियो। ओके, तो लाइक आई वॉज ट्राइंग टू स्टे कंसिस्टेंट इन दैट, लेकिन फिर भी किसी ना किसी दिन, अब मुझे नहीं पता मैं फ्रेम में से ही आ रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने स्टैंड पकड़ा है ऐसे, और आई हैव नेवर मेड एनी व्लॉग इस तरह का। तो एनीवेज, तो हम आज जाएंगे और आज से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 30 डेज़ में जिम के साथ साथ बल्क के सीज़न में हमारी बॉडी में कितना डिफरेंस आता है। लाइक यू नो, जब आप बल्क कर रहे होते हो, वेट इंक्रीज़ कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी जो है वो फैट काफ़ी ज़्यादा स्टोर करती है, और दैट इज़ नॉट अ गुड लुक, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी कुछ अर्से में हम कट के सीज़न में भी एंटर हो जाएंगे, तो बिफोर दैट सीज़न आई वॉन्टेड टू जस्ट टोन्ड माई सेल्फ एंड गेट रेडी फॉर दैट सीज़न। तो आज बेसिकली यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरी तरफ से तुम लोगों को कि यार जस्ट जो भी प्लान बनाया हुआ है, जो भी माइंड में कोई भी गेम तुम्हारी चल रही है कि मैंने ये करना है वो करना है, डोंट थिंक अबाउट इट। 2024 8 to 9% गुजर चुका है और बाकी गुजरने में भी टाइम नहीं लगना, तो जस्ट उठो और स्टार्ट अप्लाइंग जो भी तुम करना चाह रहे थे, जो भी तुम्हारा मकसद था, जो भी तुमने प्लान किया था, जो भी तुम्हारी रेजोल्यूशन थी 2024 में, जस्ट गेट अप एंड गेट गोइंग, दैट्स इट। आज हमारा शोल्डर्स डे है और शोल्डर्स में आज हम ट्राई करेंगे कि हमेशा कार पे गए हैं, लेकिन इस तरह अब इसलिए कभी इस तरह की आवाज़ें फील नहीं हुई, लेकिन टुडे फक मैन इट्स स्कैरी बट इट इज़ लाइक व्हाई इज़ इट सो गुड, लाइक मज़ा आ रहा है, देखते रहना पीछे से कोई मुझे ना उड़ा जाए। खैर, तो आज शोल्डर्स डे है और आई एम फीलिंग द एनर्जी दैट आई हैव नेवर फेल्ट, लाइक आई डोंट नो व्हाई, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, के वी शुड डू न्यू थिंग्स एवरी डे, लाइक कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके आओ, कुछ ना कुछ न्यू करो, इससे लाइफ जो है वो मज़ीद ब्यूटीफुल हो जाती है। लाइक आई डोंट नो, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो आज हमारा जी सिंपल बिल्कुल बेसिक शोल्डर डे करेंगे, शोल्डर प्रेसेस करेंगे वाया डंबल्स, आर्नल्ड प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लेटरल्स पे जाएंगे और फिर सुपर सेट करेंगे किसी भी एक का, और ड्रॉप सेट लाजमी करेंगे। देन लास्ट वीक हमने आई थिंक श्रग मिस किया था, तो इस दफ़ा श्रगिंग भी ऐड करेंगे, क्योंकि आई फील लाइक कि ट्रैप्स का ये वाला जो एरिया इट इज़ काइंड ऑफ के इस तरह लग रहा है कि जिस तरह निगलेक्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि हम आज ये भी काम करेंगे। एनीवेज, आई होप कि आप लोग भी अपने वर्कआउट्स कंसिस्टेंटली कर रहे हो और आपके जो प्लान्स थे उनको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे तो टेक दिस अदर मोटिवेशन। ओके, तो मिलते हैं आपको जिम में और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। ओके जी, सो वी आर इन द जिम और लेट्स स्टार्ट आवर शोल्डर वर्कआउट फ्रॉम शोल्डर प्रेसेस, लेट्स गो। ओके जी, स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट वर्कआउट से, जो कि है शोल्डर प्रेसेस डंबल्स के थ्रू, और पहला सेट हमारा वार्म अप का होता है हमेशा, और ट्राई करेंगे कि फेलियर तक लेके जाएं, और इसके बाद फिर वेट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे। लेट्स गो।
वार्म अप डन, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग सेट. ओके जी, फर्स्ट वर्किंग सेट ओवरऑल सेकंड सेट और वेट जो है वो 20 केजीज ईच. ट्राई करेंगे 15 रेपिटेशंस तक जाएं या एटलीस्ट 12, और बाकी भी पार्शियल रेपिटेशंस भी बीच में ऐड करेंगे अलॉन्ग विद फुल रेंज ऑफ मोशंस. लेट्स गो. थर्ड सेट हमारा कंप्लीट हो गया और एक और लगाएंगे वेट 25 केजीज ईच और ट्राई करेंगे जितनी रेपिटेशन निकल सकती हैं लाइक 5, 6, 7 जितनी भी इजीली वो करें. ओके जी, मूव करते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ प्रेस पे. पहले हम वाइड रख के कर रहे थे और अब हम क्लोज रख के करेंगे लाइक दिस. मूवमेंट जो होगी वो ये मूवमेंट होगी. तो 20 से स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने 15 से किया था, तो देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है स्ट्रेंथ में. तो फेलियर तक अगेन कोई, क्योंकि फर्स्ट सेट है तो इतना ज़्यादा मतलब काउंट नहीं करेंगे. लेट्स गो. ओके जी, क्लोज शोल्डर प्रेस का सेकंड सेट. वेट मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि 20 पे फील हो रहा था कि लाइक एक्सेसरी मूवमेंट जो है ना ज़्यादा थी, तो इस वजह से ट्राई करेंगे. क्योंकि हम बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्म शोल्डर में एटलीस्ट हम सही रखें, क्योंकि शोल्डर ऐसा जो है वो क्या कहते हैं उसे प्रोटेक्टेड नहीं है एज सच मसल से बहुत ज़्यादा, तो दैट्स वाई. और वैसे भी शोल्डर की इंजरी ख़तरनाक होती है, तो विल progressively increase the weight. Let's go. जी, द लास्ट सेट जो है वो हम अल्टरनेट प्रेस का ऐड करते हैं इसके अंदर. लाइक एटलीस्ट दोनों तकरीबन मिलती जुलती मूवमेंट्स हैं. इसके बाद फिर हमारी बारबेल के मूव कर जाएंगे या फिर साइड लेटरल्स और फ्रंट का सुपर शॉट लगाते हैं, वो डिसाइड करते हैं. पहले हम लास्ट सेकंड गेम का हमारा लास्ट सेट अल्टरनेट प्रेस. लेट्स गो. जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी फ्रंट शोल्डर, फ्रंट डेल्ट और अपर ट्रैप की एक्सरसाइज.
जो कि स्ट्रेट बार से हम करेंगे, जिस बाइसेप कर्ल वाला बार होता है ना छोटा, और इसकी ग्रिप जो है वो हम लाइक जिस तरह बाइसेप कर्ल्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। शोल्डर विड्थ अपार्ट, लाइक जितने आपके शोल्डर जितने भी वाइड हैं तो अपने लिहाज से आपने जो इसकी ग्रिप करनी है, और इस बेल्ट तकरीबन 45 डिग्रीज पे इसको अरेंज करके बेंच को, और अपने आप जो चेस्ट है वो बिल्कुल एज पे, एंड लेट्स गो। वेट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब लो है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद ये करने लगा हूँ, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएंगे। लेट्स गो। वेट थोड़ा सा जाना इंक्रीज करेंगे इसके बाद। तो वेट मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और जो ग्रिप है ना उसकी वो भी इन्वर्टेड, पहले इस तरह कर रहे थे हम तो उसमें इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा, तो इन्वर्टेड ग्रिप के साथ अब स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट डेल्टॉइड बेसिकली इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बाकी जब एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं अक्सर चेस्ट की है वो उसमें भी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा क्रेजी वेट लगाने की जरूरत नहीं है, लाइट वेट इज़ इनफ। लेट्स गो सेकेंड सेट टू द फेलियर। ओके, एक और सेट इसका लगाएंगे और वेट मज़ीद इंक्रीज़ कर लेते हैं 2.5 की एक और प्लेट ऐड करके, और ट्राई करेंगे कि अगेन 15 तक जाएं। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इजी ही है, लेकिन वेट मैं खुद ही इंक्रीज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, छोटा मसला फ्रंट का, और बाकी सब सारी पुश मूवमेंट में मतलब इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम क्योंकि अब चेक शोल्डर कर रहे हैं तो ओवरऑल 3D शोल्डर के लिए इसको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेट जो कि है साइड प्रेस। और साइड प्रेस जो है वो बेसिकली मेरा फेवरेट है, तो ट्राई करेंगे इसको मतलब अच्छे जो वेट मैक्सिमम वेट है उसके ऊपर लेके जाएं, तो अभी 17.5 और ट्राई करेंगे टू द फेलियर। लेट्स गो। Yeah.
ओके जी, इसके बाद मूव करते हैं हमारी रेयर डेल्ट या सुपर सेट लगाएंगे। लाइक सुपर सेट मुराद के दोनों एक्सरसाइज होंगे तो रेयर डेल्ट की इस वाले एरिया की, लेकिन एंगल चेंज करेंगे। लेकिन उससे भी पहले लगाते हैं श्रग्स, क्योंकि श्रग्स हमेशा रह जाती हैं। तो पहले श्रग्स लगाते हैं अपर ट्रैप के लिए और मिड ट्रैप के लिए, और फिर हमारी फिनिशिंग जो होगी वो रेयर डेल्ट से होगी, एंड देन विल गो डाउन टू द पोजिंग। ट्राई करेंगे के दो सेट लगाएं और मैक्सिमम रेपिटेशन के लगाएं। जी थर्ड सेट, और असल में दो पे भी फील आ रही थी, लेकिन जो फर्स्ट था ना वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने कहा कि एक और लगाने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट सेट, लेट्स गो। ओके जी, लेट्स डू और लास्ट सेट। और असल में इसमें हम दो सेट्स को कंबाइन करेंगे। एक तो होगा रेयर डेल्ट के ही दोनों हैं, एक होगा रेयर डेल्ट लाइक दिस ओके, और एक होगा ओपन लाइक दिस फ्लाई, जिसना फ्लाई चेस्ट का लगाते हैं ना उसका ऑपोजिट लाइक दिस, एंड वन एंड टू, और इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे लाइक 10 रिपीटेशंस पे। लेट्स गो, लेट्स मूव टू अवर लास्ट गेम। और इसमें असल में बेसिकली हम दो सेट को कंबाइन करेंगे, वन इज़ लाइक दिस रेड डेल्ट के लिए और दूसरा भी रेड डेल्ट के लिए ऐसे, लाइक जिस तरह हम चेस्ट फ्लाई डंबल लगाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह। तो वन लाइक दिस एंड देन दिस, दोनों के 10 रिपीटेशंस और सेट लगाएंगे इसके दो फिलहाल के लिए। लेट्स गो, 10 kg से स्टार्ट करने लगा, आई होप दैट वुड बी इनफ। तो then ओके जी, लेट्स स्टार्ट द पोजिंग। Oh.